तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमारे डायनामोन्स वर्ल्ड में टॉल पॉइंट्स का अपडेट आया था और इस एरिया में आपको रेमेथिस्ट नाम का एक लेजेंडरी डायनामोन मिलने वाला है। तो आज के वीडियो में गाइस हम यही बताने वाले हैं कि आपको रेमेथिस्ट कैसे और कहां पर मिलेगा। तो गाइस रेमेथिस्ट का लोकेशन पता करने के लिए आपको सबसे पहले वायलेट को हराना होगा और जैसा कि आपको पता ही है कि वायलेट जो है वो टॉल पॉइंट्स का फाइनल बॉस है। तो गाइस जिनको नहीं पता है कि वायलेट तक कैसे पहुंचना है उनको मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। तो गाइस मैं आप सबको बता दूं कि टॉल पॉइंट्स में हमको टोटल 7 बॉसेस देखने को मिलेंगे और वायलेट तक पहुँचने के लिए हमें पहले 6 बॉसेस को हराना होगा। तो गाइस टॉल पॉइंट्स खोलते ही आपको बॉस वन यहाँ पर मिलने वाला है और इसका नाम रेमी है। इसको आपको सबसे पहले हराना होगा और उसके बाद बॉस टू का लोकेशन आप देख सकते हैं, इसका नाम सोफिया है। रेमी के बाद आपको इसको हराना होगा और उसके बाद आपको बॉस थ्री को हराना होगा जिसका लोकेशन मैंने यहाँ पर दिया है, इसका नाम मार्ता है। और इसके पास आपको गाइस 2 नए डायनामोन्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको बॉस 4 को हराना होगा जिसका लोकेशन मैंने यहाँ पर दिया है, इसका नाम क्रिस्टोस है, ठीक है गाइस। और क्रिस्टोस को हराने के बाद गाइस आपको बॉस 5 यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जिसका नाम कोलिन है। और कोलिन को हराने के बाद आपको बॉस 6 यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो कि एक एक्सप्लोरर होगा गाइस। और इसको हराने के बाद गाइस आप वायलेट तक पहुँच जाओगे। जब आप इसको हरा दोगे गाइस तो ये आपको बताएगा कि इसको नहीं पता है कि रेमेथिस्ट कहाँ पर है और उसका पता करने के लिए आपको वायलेट को हराना पड़ेगा। तो जब आप लोग गाइस वायलेट के साथ फाइट करने जाओगे तो उसके पास आपको 23 लेवल का रेमेथिस्ट देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो कि हमने वायलेट को हरा दिया है और जैसे ही आप वायलेट को हरा दोगे तो गाइस वो आपको रेमेथिस्ट का लोकेशन बता देगा। वो बोलेगा कि अगर आपको रेमेथिस्ट को पकड़ना है तो आपको उसको वाटरफॉल के आसपास ढूंढना पड़ेगा। तो गाइस उसके बाद आपको मैप में वाटरफॉल के आसपास ढूंढना है, ठीक है, वहीं पर कहीं ना कहीं आपको रेमेथिस्ट मिल जाएगा। तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर रेमेथिस्ट मिला था और थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद मिलेगा, ठीक है गाइस। ऐसा नहीं कि वायलेट को हराते ही आपको एक ही झटके में मिल जाएगा, थोड़ा बहुत आपको वाटरफॉल के आसपास ढूंढना पड़ेगा तभी आपको रेमेथिस्ट मिलेगा, ठीक है। और जब आप पकड़ने जाओ अगर रेमेथिस्ट आपके हाथ नहीं लगता है तो गाइस घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब तक आप रेमेथिस्ट को नहीं पकड़ोगे वो बार बार आपको मिलता रहेगा। मैंने भी गाइस 3-4 अटैम्प्ट किए तब जाके रेमेथिस्ट को पकड़ पाया। तो आई होप कि गाइस आपको पता चल चुका होगा कि आपको रेमेथिस्ट कहाँ और कैसे मिलने वाला है। और गाइस डायनामोन्स वर्ल्ड के रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट में बता देना। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय। और कंटेंट अच्छा लगे तो गाइस जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर ही देना यार।